हे हेलो मैम, कैसे आप सभी लोग? सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के वो सभी विद्यार्थी जो इस रिजल्ट से नाखुश हैं, और हम जिस प्रयास में लगे हुए हैं कि रिजल्ट को दोबारा से बनाया जाए और सभी विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए, और इसी बीच दोस्तों हमारी जो मेहनत रंग लाने लगी है, उड़ीसा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा जो है सीबीएसई को पत्र लिखा गया है, एनसीपीसीआर को पत्र लिखा गया कि जो रिजल्ट है वो 50-50 बेस के आधार पर तैयार किया जाए, जैसे सीबीएसई ने पिछले पहली बार वादा किया था अपने 5 जुलाई 2021 के नोटिफिकेशन में, जबकि सीबीएसई ने 30 और 70% का जो वेटेज था उसको खुद सीबीएसई ने मना कर दिया था, और बाद में सीबीएसई ने कहा था कि ये फेक न्यूज है। और जब रिजल्ट आता देखने में आता कि सीबीएसई द्वारा उसी 30 और 70% के जो बेसिस के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है, जबकि सीबीएसई ने 50-50 का वादा किया था। तो इस अन्याय के खिलाफ अब उड़ीसा पेरेंट्स एसोसिएशन भी हमारे साथ हो चुके हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि फैसला हमारे अनुरूप आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।